महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं ने संभाली शहर के ट्रैफिक व्यवस्था। रीवा के सभी चौराहे में बेहतर इंतजाम समझाइश के साथ चालानी कार्रवाई, यह बताने के लिए काफी थी। महिलाएं पुरुषों से बेहतर काम कर सकती हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर का व्यस्ततम, सबसे व्यस्ततम नजारा रीवा का काले चौराहा। यहाँ पर आज पूरी कमान सुरक्षा व्यवस्था की महिलाओं ने संभाल रखी है, जिसका सीधा सा अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख, उसकी तैयारी होली जैसे त्यौहार को लेकर पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा ली है। हमारे साथ यहाँ पर आराधा जी हैं और श्वेता मौर्य, हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे आखिर आज महिलाएं एकता एक मैदान में, आज आप मैदान में क्यों हैं। सभी को ज्ञात है कि 8 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। विगत वर्षों की भांति भी पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आज जिले की समस्त महिला अधिकारी कर्मचारियों को यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महिला अधिकारी और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस तरह हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, अभी आपसे और बात करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए पूरे शहर के लिए जिस तरीके से आपको चाक चौबल व्यवस्था बना रखी है, क्या आपको लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे जैसे कि आपको पता है कि महिलाएं जहाँ पे खड़ी होती हैं वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हैं, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको हम पूरा अच्छी तरीके से निभाएंगे। और लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है और जिनकी गलती है उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। समझाइश भी दे रहे हैं, चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? वैसे तो डेली हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई और लोगों को समझाइश यातायात जागरूकता की दी जाती है, परंतु आज विशेष तौर पर जिले की समस्त महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ये अभियान पुलिस मुख्यालय द्वारा महिला सशक्तिकरण को दिखाने के लिए विशेष तौर पर चलाया गया है, जिसमें हमें बहुत अच्छा और प्राउड फील हो रहा है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं, भारत की महिलाओं पूरी दुनिया में अपनी मजबूती के लिए जानी जाती, चाहे वो घर हो या चाहे बाहर। घर की बात तो छोड़िए, आज आप देखिए होली का त्यौहार है, सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाली किसी समय होती, महिलाओं ने पूरी बेहतर तरीके से सब कुछ संचालित कर रखा है। किस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा समस्याएं आई, किस तरीके से आपको लोग ज़्यादा मिल रहे हैं? ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं और यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि गाड़ी में नंबर ना होना, हेलमेट ना लगाने से उनको यह बताया जा रहा है कि इसमें आपकी ही जान का खतरा है, तो कृपा करके अपने, यदि आप सुरक्षित रहे तो आपके परिवार वाले सुरक्षित रहेंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट का भी पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें। सीट बेल्ट लगाएं, यातायात के नियमों का पालन करें, अपने परिवार की खुशी के लिए हेलमेट लगाएं। तमाम तरीके की बातें आप लोग हमेशा करते हैं या यूँ कहें रोज करते हैं, लेकिन अगर संजय गांधी अस्पताल की मैं बात करूं जहां रीवा में मौजूद है, सर्वाधिक 2 व्हीलर एक्सीडेंट की मौत हेलमेट की वजह से, आखिर लोग क्यों नहीं लगाना चाहते? लोगों में जागरूकता नहीं है। वैसे तो देखिए समझाइश देने पे कई लोग लगा लेते हैं, कई इनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो हेलमेट लेके आते हैं, या तो वो हैंडल में टंगा होता है या स्कूटी की डिक्की में बंद रहता है। तो यहाँ पे हमने उनको यही बताया है कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, तो इसका लगातार उपयोग कीजिए, केवल पुलिस के डर से नहीं कि पुलिस को देखा और हेलमेट लगा लिया और फिर थोड़ी दूर पे जाके हेलमेट निकाल लिया, तो लोगों को समझ में भी आ रहा है और लोग खुद आगे आके बोल रहे हैं कि हेलमेट हमेशा, अब हम हेलमेट लगा कर रखें। लोगों ने कह दिया आप समझाइए, लगातार देखता रहता हूँ आप लोगों को समझाइश, फिर भी नहीं लगाते मैम, जैसा अभी आप लोग कह रहे थे, हम चाहते हैं कि आपका परिवार, अगर इसी तरीके से चलता रहा लोग हेलमेट नहीं लगा रहे, जुर्माना कैसे करना है हमारा? जुर्माना तो अगर किसी के पास पैसे हैं तो आजकल POS मशीन पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है, तो कैश अगर उनके पास है तो वर्तमान में कैश में चालान काट दिया जाता है। बहुत सारी सुविधाएं पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार दी जा रही हैं, मशीन में हमारे द्वारा कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है कि आप कार्ड से चालान कटा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास
वर्तमान में कार्ड भी नहीं है और कैश भी नहीं है, तो विदाउट पेंडिंग मतलब पेंडिंग में चालान काट के उनको छोड़ दिया जाता है। 7 दिवस का उनके पास समय रहता है यातायात थाने आके उनके द्वारा चालान। जो आपको आपकी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हमारा यही है कि आप अगर सुरक्षित रहेंगे, हेलमेट लगाइए, मोस्टली जो मृत्यु दर हो रहा है वो रोड एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग ना करें, 4 व्हीलर चलाए तो सीट बेल्ट लगाएं, 2 व्हीलर चलाए तो हेलमेट लगाइए, ओवर स्पीडिंग बच्चों के साथ आप चलते हैं तो बिल्कुल उनकी सुरक्षा के लिए ही आप हेलमेट लगाइए और कभी भी 3 सवारी। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी तरफ से हर रोज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं, हर रोज महिला दिवस हो, इसके लिए सभी को नियमों का पालन करना आवश्यक है, हेलमेट लगाना आवश्यक है ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, रोज महिला दिवस हो। हालांकि हम लोग महिला दिवस को मनाते हैं लेकिन आज जिस तरीके से इन लोगों ने पूरी बेहतर तरीके से व्यवस्था संभाल के रखी माना जा सकता है। इस तरीके के अगर अधिकारी रीवा में मौजूद रहे तो किसी भी तरीके की आम आदमी को कोई भी समस्या नहीं होगी। रीवा का काले चौराहा अपने आप में सर्वाधिक भीड़ वाला, आज यहाँ पर महिलाओं ने कमान संभाल रखी है। हालांकि खाने की कमान तो इन्होंने संभाल ही रखी है लेकिन आज ये सड़क पर है। मैं इन्हीं से जानूंगा आज होली का व्यस्तम समय, 8 तारीख को महिला दिवस, जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको क्या संदेश? यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए क्योंकि 8 मार्च महिला दिवस है इस उपलक्ष्य में आज यहाँ यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जिले की महिलाओं को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार विभिन्न चौराहों पर लगाया गया है ताकि हम आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करें और संदिग्ध लोगों को देखें, वाहन चेक करें बिना हेलमेट बिना नंबर वाली गाड़ियों को या जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन गाड़ियों की चेकिंग के लिए हमने महिला दल के साथ ही चेकिंग। इस समय आपको जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शहर आपको देख रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए उनको? बालक बालिकाओं है उनको हम एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड करते हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों से या अन्य कोई भी परेशानी होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको अवगत करा सकें और हेल्पलाइन नंबर भी हम दे रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है हम केवल आज के लिए नहीं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। जैसा कि आपको मैं एक बार स्क्रीन पर फिर से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख रहे होंगे आप भीड़ भाड़ साफ तौर से यह इंगित कर रही है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता। महिलाओं ने पूरी बेहतर तरीके से जिस तरीके यहाँ का संचालन कर रखा है ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है।